हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से चालक और कंडक्टर के लिए 2968 पोस्ट निकली हैं। उस बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। 2017 चालक और कंडक्टर के लिए कुल 2968 भर्तियाँ निकली हैं। HSSC रिक्रूटमेंट 2017 ड्राइवर एंड कंडक्टर टोटल वैकेंसीज 2968। चलिए शुरू करते हैं। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है जॉब ऑफर। HSSC हरियाणा गवर्नमेंट का अंडर है ये जॉब, हरियाणा गवर्नमेंट का अंडर। और कुल वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 2968 है, 2968। जॉब लोकेशन हरियाणा, आपको हरियाणा में मिलेगा जॉब। और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2017। और डेट ऑफ पब्लिकेशन, नोटिफिकेशन आया है 18 तारीख को, 18 मई को आया है नोटिफिकेशन। और ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 25 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 25 मई 2017 से स्टार्ट हो गया है इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट है आपका 24 जून 2017 को इसका लास्ट डेट है। और फी डिपॉजिट का लास्ट डेट है 28 जून 2017। तो उससे पहले आपको फी डिपॉजिट करना पड़ेगा और 24 तारीख से पहले आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। वैकेंसी डिटेल्स देखते हैं। पहला है हेवी व्हीकल ड्राइवर। ड्राइवर के लिए जो है 2038 वैकेंसीज है ड्राइवर के जॉब के लिए, हेवी व्हीकल ड्राइवर। इसमें 2038 है वैकेंसी। और इसमें सैलरी आपका 5200 से लेके 20200, और ग्रेड पे है इसका 2400। मतलब कि इन हैंड आपको इसमें मिल जाएगा करीब स्टार्टिंग में 15000 प्लस में मिलेगा, 15000 से ज़्यादा मिलेगा स्टार्टिंग में आपको इसमें। 2400 इसका ग्रेड पे है। और इसका एज लिमिट है 18 से 42 ईयर्स। नेक्स्ट आपका पोस्ट है कंडक्टर का पोस्ट। इसमें 930 वैकेंसीज है और इसका पे स्केल है 5200 से 20200, और इसका ग्रेड पे है 1900। इसका ग्रेड पे थोड़ा कम है, 1900 का ग्रेड पे है ये। और इसका एज है 17 से 42 ईयर्स। तो ये तो था आपका वैकेंसीज पोस्ट वाइज। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। पहला है हेवी व्हीकल ड्राइवर। ड्राइवर के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, शुड होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। यह है दूसरा क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है आप ड्राइविंग टेस्ट पास होना चाहिए, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन करता है उसमें आपको पास होना चाहिए। नेक्स्ट आप कॉलर ब्लाइंड होने से नहीं डाल सकेंगे इसमें, कॉलर ब्लाइंड को नहीं मिलेगा ये वाला पोस्ट। नॉलेज ऑफ हिंदी, आपको हिंदी या संस्कृत आना चाहिए, मैट्रिक स्टैंडर्ड का हिंदी या संस्कृत आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन कंडक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, पहला आपका है मैट्रिक, आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। और आपका इसके लिए नॉलेज हिंदी या संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए, मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड का। और आपके पास एक कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए। यह है क्वालिफिकेशन कंडक्टर के पोस्ट के लिए। कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई फॉर SSC ड्राइवर एंड कंडक्टर पोस्ट, कैसे इसके लिए अप्लाई करेंगे। पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.hssc.gov.in में जाना पड़ेगा। उसमें जाके आप एडवर्टाइजमेंट पेज देख लीजिए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पेज देख नोटिफिकेशन जो है उसको पूरा केयरफुली पढ़िए। उसके बाद मैं आपको मोटा मोटी सब कुछ बता दिया हूँ, फिर भी आप चाहें तो उसमें जाके सब कुछ डिटेल में पढ़ सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा इसका लिंक, और आप एलिजिबल है कि नहीं उसमें देख लीजिए। उसके बाद आपको एक फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा, उसमें फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा लास्ट डेट से पहले। उसके बाद इन्फॉर्मेशन आप फिर से चेक कर लेना, सबमिट से पहले चेक करके सबमिट करना इन्फॉर्मेशन सब। फिर फाइनली उसका एक प्रिंट लेके रखिएगा पास में, उसको एक प्रिंट आउट निकाल लेना।
और अपने पास रखिएगा। तो ये तो था पूरा जो ड्राइवर और कंडक्टर के लिए जो पोस्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकला है उसके बारे में बताया मैंने। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।